तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड कंसेप्ट। राइट, अभी तक हमने 3-4 क्लासेस में आपके साथ वीवीए के फंडामेंटल्स और वीवीए के रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड कंसेप्ट। और ऑनलाइन हमारे साथ जो है आशीष जी है, नितिन जी, आशीष जी, सुधांशु जी और राव जी है। एक दीपक नहीं आया, राइट ना। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं कोड, कोड कैसे वर्क करता है। तो लास्ट क्लासेस में हमने बताया था आज मॉड्यूल इंसर्ट करके कि जब हमारे पास कोई भी माइक्रो का कोड लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट चार वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, चार ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वर्कबुक्स, पहला था एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन था। उसके बाद हमारे पास वर्कबुक्स थे, उसके बाद हमारे पास शीट्स थे, उसके पास हमारे पास रेंज थे। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा काम आया, लाइन ऑफ कोड आया जो कि आपका एप्लीकेशन के रिलेटेड है, जैसे कि डिस्प्ले अलर्ट को चेंज करना, स्क्रीन अपडेटिंग को चेंज करना, ऐसा कोई जो कि एक पर्टिकुलर फाइल को पे नहीं एक पूरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट करता हो, तो हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। वर्कबुक, कोई ऐसा काम जो वर्कबुक को इफेक्ट करता हो, जैसे फाइल क्लोज करना, सेव करना, ओपन करना वगैरह वगैरह। और शीट्स, एक पर्टिकुलर शीट्स का जो होता है, और रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज भी होता है। तो रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम 95% काम रेंज पे करते हैं। हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, हमें आपको फिल्टर लगाना है, पिवट लगाना है, चार्ट लगाना है, ये सारे चीज रेंज के ऊपर, तो सारे या सारे रेंज का पार्ट होता है, सेल का पार्ट होता है। तो हम एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं वर्कबुक की। तो हम बताते हैं कि हम वर्कबुक पे जनरली जो काम करते हैं उसके कोड क्या होंगे, राइट। और लास्ट क्लास में हमने माइक्रो का नेम का रूल्स बता दिया था कि नेम किस तरह के होने चाहिए। मैं जनरली RR लेता हूं, तो सबसे पहले बात, अगर नई वर्कबुक, मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है, मान लीजिए कि मुझे किसी फाइल के ऊपर जाके कंट्रोल N करना है और एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे हम वर्क बुक्स डॉट एड, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, कंट्रोल N करते ही एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे उस फाइल, जो क्रिएट की गई फाइल है, उसको सेव भी करना है, मुझे क्रिएट की गई फाइल को सेव भी करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे दो चीजें। देखिए, सेव करने का जनरली होता है कि वर्क बुक्स, इसके अंदर में आपको लिखें कि बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सेव एज, और यहां पे आप पाथ दे दें, जैसे कि डी 1 2 3 डॉट एक्सएलएस एक्स, राइट। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इसमें पर्टिकुलर वही बुक को सेव करें, हाँ, क्योंकि जब भी नई फाइल हमारी ओपन होगी, वर्कबुक को, मतलब एक जब भी नई फाइल खुलती है तो एक माफ कीजिएगा, जब एक नई फाइल खुलती है तो उसमें उसका नेम जो है हर बार चेंज होता है, जैसे बुक वन, बुक टू, बुक टू, बुक थ्री,
पर कनेक्शन काफी ब्रेक हो रहा है। हेलो, नहीं कनेक्शन ब्रेक नहीं, मैं चुप हो रहा हूँ, एक मैसेज आ गया था उसी को पढ़ रहा था। चलिए तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि workbooks.book1.save है, तो बुक वन हर बार चेंज होता है। तो यहाँ पे मुझे जो फाइल सेव हुई है, क्रिएट हुई है, ऐड हुई है, उसी को सेव करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। अब देखिए वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक दोनों सेव है, तो वर्कबुक में आप एक किसी पर्टिकुलर वर्कबुक का आपको देना पड़ेगा नाम देना पड़ेगा, और एक्टिव वर्कबुक जो है जो एक्टिवेट होगी उसी को लेके चलेगा। जब हम जाहिर सी बात है जब वो फाइल हमारी ओपन होती है वही हमारी एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हुआ कि जो फाइल हमारी ओपन हुई तो हमने यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डाल दिया। तो आपको ये भी देखना होगा, सिचुएशन भी देखना पड़ेगा कि एक्टिव वर्कबुक है तो वर्कबुक्स और बुक नेम ना लेके आप एक्टिव वर्कबुक लेके भी चलो, अगर बुक नेम पता है तो आप बुक नेम लेके चलो, जैसी सिचुएशन वैसे कर सकते हो आप। बट सर वो जब एवरी टाइम मतलब उसमें वी विल डू सम वर्क, तो जब सेव करते हैं तो वो हमेशा यही पूछता है डू यू वांट टू सेव द लास्ट वर्क यू हैव डन, तो उसमें जैसे कैंसिल का ऑप्शन आता है यस नो का। वो हम बताते हैं अभी आपको, अभी ये नहीं बोल रहे ना कि सेव करना है, बात कर रहे हैं सेव एज, सॉरी सेव एज की बात कर रहे हैं ना। इसको जब फाइल नए क्रिएट करेंगे तो सेव करना पड़ेगा ना, और उसके बाद अगर आपके फाइल में कुछ काम किया है तो क्लोज करने से बिफोर आपको उस फाइल को सेव करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, हाँ, तो जब तक सेव, अगर सेव नहीं करेंगे तो मैसेज पूछेगा ही पूछेगा, और पूछ रहा है तो अच्छी बात है ना। क्या बिल्कुल। तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो आप एक्टिव फाइल डॉट सेवेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको फाइल क्रिएट करना ही है, जस्ट क्या बोलते हैं एक नेम का फाइल, जैसे आपको फाइल बोला गया कि क्रिएट द फाइल, कुछ वर्क करो फिर सेव द फाइल, या फिर क्रिएट द फाइल एंड सेव द फाइल। लेकिन अगर आपको एल्गोरिथम कह रहा है कि क्रिएट द सेव फाइल, मतलब कि आपको फाइल सेव किया हुआ फाइल ही क्रिएट करना है, जैसे हम लोग राइट क्लिक करके क्रिएट करते हैं ना, समझे कि नहीं सर। जैसे कि एक तो हुआ कि आपने कंट्रोल एन किया यहाँ पे तो अनसेव्ड फाइल क्रिएट होता है, जैसे मैंने कंट्रोल एन किया तो मेरे पास जो भी खुला फाइल ए बुक फोर ये तो अनसेव्ड फाइल है ना। लेकिन हम लोग सेव फाइल भी तो क्रिएट करते हैं, जैसे राइट क्लिक करके न्यू पे गए और यहाँ पे हमने एक्सेल कर दिया तो ये तो सेव फाइल है ना। हाँ जी, क्या हाँ जी, तो सेव फाइल ही क्रिएट करना है आपको, तो सेव फाइल क्रिएट करने का कोड होता है द एड डॉट सेव एज, और फिर यहाँ पे अपना जो भी पाथ है वो पाथ डाल दीजिए, तो आप सेव की हुई फाइल को ही ओपन क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया सर? तो सर ये क्रिएट कर रहा है जो कि एक इस ड्राइव पे ऑलरेडी सेव हो जाएगी पहले हाँ, से ही, हाँ, क्रिएट करने के टाइम पर ही। ओके, और सेव क्रिएट दोनों एक, यहाँ पे क्या है क्रिएट और सेव दो अलग अलग प्रोसीजर हो गया, दो अलग अलग लाइन ऑफ कोड हो गया, ये आपका एक ही बार में होगा। जैसे हुआ ना कि आप मतलब किसी को बोलते हो कि पानी लाना तो आप पानी लेके आता है, लेकिन वो आपने पानी मांगा तो उसके अंडरस्टैंड के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने पानी पीने के लिए मांगा है, हाथ धोने के लिए मांगा है, नहाने के लिए मांगा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना सर। अगर बेवकूफ हुआ तो नहाने के लिए बाल्टी में ले आएगा, तो यहाँ पे कमांड क्लियर करना होता है, ये बेवकूफ की तरह काम यहाँ करता है, इसलिए इसको यहाँ पे हर चीज को क्लियरिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। कि अगर मैंने कमांड दिया कि आप सेव की फाइल दो तो सेव की फाइल देगा, आपने कमांड किया कि फाइल दो तो फाइल देगा, तो फाइल देने के बाद आपको फाइल को सेव करने का कमांड देना पड़ेगा, तो अगर आपको फाइल सेव ही करना है तो एक साथ कमांड दे दो, ठीक है। अब हाँ इसमें जी, हो गया, अब इसमें हमने फाइल को क्रिएट करना सेव किया सीख लिया, अब सेव है। अब याद रखिएगा कि हम दो तरीके से वर्कबुक को लिखते हैं, एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए
एक्टिव वर्क बुक, जब जब किसी फाइल जब जब किसी पर्टिकुलर फाइल की बात होती है तो हम एक्टिव वर्क बुक या इस वर्क बुक बुक वन इस मेथड को यूज करते हैं। जब फाइल का नाम पता हो तो इसका, अगर फाइल का नाम ना पता हो तो एक्टिव वर्क बुक का, राइट सर? सर एक चीज और है, जैसे कई बार बुक वन अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, दूसरी वर्कबुक खोलता तो बुक टू बुक थ्री के नाम से आती हैं, जनरली क्लोज करते जाओगे तो नया नाम लेता, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन होगी या वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए हम एक्टिव वर्कबुक यूज करें हाँ, ना? हाँ, क्योंकि न्यू वर्कबुक तो कोई और नाम से भी आ सकती है, जरूरी नहीं बुक वन के नाम से है। ये बात तो मैंने बताई है ना आपको सर। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक्टिव वर्कबुक किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको डिनोट करना हो, चाहे ओपन क्लोज कुछ भी करना हो, आगे कुछ भी लग सकता है, एवरीथिंग, ठीक है ना? लोकेशन एंड ऑब्जेक्ट दो होता है ना, तो वर्कबुक आपका लोकेशन हो गया, सेव आपका एक्शन हो गया। तो एक्शन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन लोकेशन जो है आपको डिफाइन करना है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपका सिचुएशन कह रहा है कि एक्टिव वर्कबुक, तो एक्टिव वर्कबुक आपका सिचुएशन कहता है कि वर्कबुक वर्कबुक एंड बुक बुक वन बुक टू जो भी है तो उसका यहाँ करना। फाइल नेम तो चेंज होगा, फाइल नेम अकॉर्डिंग योर फाइल, ठीक है? तो हमने फाइल को सेव सेव क्रिएट और सेव एज करना सीख लिया। अगर फाइल को जस्ट सेव करना है तो एक्टिव वर्कबुक सेव या वर्कबुक ए मेथड भी ले सकते हैं सेव का, वो डिपेंड करता है। मैं अभी फिलहाल एक्टिव वर्कबुक लेके ही चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको लिखिएगा, ठीक है? अब वर्कबुक को अगर हमने एक तो बार क्रिएट करना, लेकिन मुझे वर्कबुक ओपन करना है कहीं से, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क बो वर्क बो सॉरी बुक्स डॉट ओपन, और कहां से ओपन करना है उसका पाथ देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, राइट? अगर फाइल के अंदर में पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है या फिर फाइल को ओपन करते आपसे अपडेट लिंक पूछता है, अपडेट लिंक कब पूछता है सर? जब फाइल में आपने फॉर्मूला के थ्रू किसी और फाइल से लिंक कर रखा है तो आपसे अपडेट लिंक पूछेगा। अगर आपसे अपडेट लिंक पूछ दिया तो आप वो वहां पे ट्रू एंड फॉल्स देना पड़ता है। तो ऐसे इसमें कॉमा कॉमा करके चीजें दे सकते हैं। पासवर्ड है तो आप कॉमा 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 पासवर्ड पहुंच गए और पासवर्ड दे दीजिए यहाँ पे आप। ये ओनली करना है नहीं करना है तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। ये एक्शन डिटेल्स में और भी चीजें होती है जिसको कॉमा करके आप कर सकते हो। जस्ट लाइक सेव एज में भी सेम था कि अगर सेव एज कर रहे हो तो यहाँ भी आपको अगर पासवर्ड डालना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो। बोल्ड हो गया कॉमा देने से, अब यहाँ पासवर्ड डाल सकते, पासवर्ड हो गया तो ओपन करते इसमें पासवर्ड पूछेगा। सर एक चीज पूछनी है इसमें, सर ब्रैकेट्स लगानी जरूरी है जैसे सेव एज ब्रैकेट फाइल नेम कॉमा? हाँ नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। हाँ, जैसे जैसे कोड में बता रहा है, कोड में बता रहा है, वो समझा रहा है आपको, लेकिन जैसे आप स्पेस मारोगे ना, हाँ जी, तो जैसे एक्सप्रेशन आ गया तो आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि वर्कबुक में हमने स्पेस मारा कुछ नहीं आया, लेकिन जब मैं ब्रैकेट दिया तो नीचे एक्सप्रेशन आया, मतलब कि ब्रैकेट देना जरूरी है। तो वर्कबुक ओपन करने का कोड हो गया। अब वर्कबुक ओपन हो रहा है तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा, तो आपको एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज लिखना है या फिर आप लिखना है यहाँ पे वर्क बुक और उसपे बुक का नाम कि जो भी बुक है बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स या फिर जो भी फॉर्मेट है डॉट क्लोज। अब जब भी आप फाइल क्लोज करते हैं तो आपसे पूछता है डू वांट टू चेंज डू वांट टू सेव दिस फाइल, यस एंड नो, पूछता है ना सर? जैसे इसी फाइल को सेव कर रहा हूं मैं तो उसे पूछ रहा है। अगर मुझे सेव पे क्लिक करना है क्लोज करते समय तो ट्रू लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रू कर दीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा, राइट सर? सर एक बात बताओ, मान लिया जैसे आपने क्लोज के बाद स्पेस मारा, हाँ, कुछ भी देखने के लिए जैसे स्पेस मारते हो, जैसे मैं ट्राई करता हूँ तो मेरा तो इतना नहीं आ पाता, जैसे स्पेस मारा तो वो नीचे जो टेक्स्ट आ जाता है, आता है ये चीज आता है, समझ में आता है?
अच्छा जैसे आप देखो, आप क्लोज के बाद आपने मारा तो ब्रैकेट ओपन आया, तो इस इट मींस कि मतलब इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं मैं, जैसे ब्रैकेट देना है या नहीं देना है। नहीं दे रहा है, स्पेस मारते नीचे स्पेशल आ गया तो ब्रैकेट क्यों देना है, नहीं देना है। अभी तो बताया मैंने आपको ना ऊपर कि अगर आप स्पेस दोगे, स्पेस देते ही आपको नीचे एक्सप्रेशन आ जा रहा है तो ब्रैकेट जितना जरूरी नहीं है। पर दे सकते हैं सर, अगर देना चाहे दे सकते हैं, अगर देना लेगा चाहे तो दे तो सकते हो। ठीक है, नहीं 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 ब्रैकेट नहीं, नहीं लेगा ब्रैकेट। तो इट मींस कि मतलब स्पेस मारने के बाद अगर नीचे वो नहीं आया देन वी हैव टू गिव द ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट और इक्वल दो दे सकते हैं, इक्वल के भी बताता हूँ आगे, ठीक है ना। ओके तो जनरली एक्शन डिटेल में ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है सर, समझ गए ना। ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट डिटेल में, जैसे कि यहाँ एक्शन डिटेल में ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रैकेट नहीं देना होता है। सम केसेस है जिसमें देने पड़ते हैं, वो बता दूंगा मैं आपको, सम कोड्स है उसमें। तो हमने वर्कबुक को क्लोज कर दिया, तो हमने वर्कबुक ओपन किया, वर्कबुक को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे डॉट नहीं आया, डॉट प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट किया और पासवर्ड डाल दिया। तो ए प्रोटेक्ट कौन है, ये जो आप रिव्यू के अंदर जाके जो स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन करते हो ना, ए प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें पासवर्ड डालेगा, राइट। और वापस आपको अनप्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालनी है, राइट सर। ये तो स्ट्रक्चर पासवर्ड हो गया, मैं चाहता हूं ओपनिंग पासवर्ड देना, तो डॉट पासवर्ड। अब यहां पे मुझे इक्वल डालना पड़ेगा, तो इक्वल क्यों डालना पड़ा, क्यों और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वल डालना है, क्योंकि इससे पहले तो हमने हर जगह पे स्पेस डाला है ना। देखिए इक्वल इसलिए इसमें डाले क्योंकि ए जो है हमने स्पेस मार के चेक किया तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, तो हमने इक्वल मारे। लेकिन क्यों, तो बेसिकली क्या है कि देखिए जो भी आपका एक्शन होता है इसको मेंबर बोलते हैं, ये आपका वर्कबुक है उसको मेंबर है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग लोकेशन और इसको एक्शन बोलते हैं। तो जो मेंबर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इवेंट, मेथड और प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास क्लास में लिंक दिया था, उसमें मेंबर लिस्ट में आपने देखा ही होगा। तो जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी में हमेशा इक्वल देना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो असाइन नहीं सेट होती है। तो ये पासवर्ड प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेगा, एक तो स्पेस मारूंगा तो इक्वल एक्सप्रेशन नहीं आएगा, समझ जाइए इक्वल देना है। या दूसरा, जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो नीचे जो हैंड का निशान है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और जिसपे आपको ये बॉक्स का निशान होता है ग्रीन कलर का, वो आपका मेथड है। मतलब कि इसको स्पेस देखेंगे तो आ जाएगा स्पेशन, और इसमें आपको इक्वल देना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी कुछ होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं कि इन्फॉर्मेशन गिव करते हैं। तो आपका पासवर्ड जो है ओनली फॉर रिसीव करता है, लेकिन मान लीजिए मुझे फाइल का पूरा नेम चाहिए, तो मैं कोई वेरिएबल, जब भी कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे कि इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल नेम, फुल नेम होता है, सॉरी यहाँ पे नेम होगा, नेम नेम। तो इस क्या करेगा, इस फाइल का नेम दे देगा, किसको देगा, ए को देगा, क्योंकि ए इंफॉर्मेशन देता है तो रिसीव करने वाला कोई होना चाहिए ना। ऐसी मैं यहां पे दे दू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, तो पाथ देगा। ऐसे अगर मैं इक्वल यहां पे लिख दूं एक्टिव
वर्क बुक डॉट फुल नेम, ये फुल नेम देगा विद पास के साथ देगा एकदम, ये सारे आपके होते हैं। अब लेकिन आप बोलोगे सर एक्टिव वर्कबुक में तो और भी बहुत सारे हैं, तो फिलहाल वो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अभी जितना समझ पाएंगे उतना मैंने आपको बताया, तो बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है सर। सर एक बार ये नेम में और फुल नेम में थोड़ा सा डिफरेंस बताओगे? नेम ओनली फॉर फाइल नेम दिखाएगा, और नेम okay. समझिए ना, ये समझिए ना कि फुल नेम ये दोनों दिखाता है। ओके ओके ठीक है, ठीक है ना। तो हम फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को सेव एज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल में पासवर्ड डालते हैं, फाइल में ओपनिंग पासवर्ड डालते हैं, फाइल और फाइल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, नेम फुल नेम वगैरह वगैरह वगैरह, डेट फाइल नेम वगैरह जो भी चीज होती है। तो हम इतना ही करते हैं ना फिलहाल, इसके अलावा तो कुछ करते नहीं जनरली क्या? सर एक चीज लास्ट और पूछना, जैसे आपने ये पासवर्ड और प्रोटेक्ट वाली चीज बताई, तो पासवर्ड ये जो जर्नल ऑप्शन में जाके आता है वो है? ये नीचे वाला है, ओपनिंग पासवर्ड है। वो ओपनिंग पासवर्ड हो गया ना, जो जर्नल हम जब फाइल सेव एज करते हैं जर्नल ऑप्शन में जाते हैं वो ये वाला पासवर्ड हो गया। हाँ हाँ ओके ठीक है, ठीक है ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को? तो आप लोग VVA के थ्रू फाइल को ओपन कीजिए, फाइल को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में सेव कीजिए, फाइल को सारे कोड को आप लोग माइक्रो में ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर मैं कल आपको इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बताऊंगा, फिर हम सीट के ऊपर चलेंगे, ठीक है सर? ठीक है ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम। थैंक यू थैंक यू।